गुड इवनिंग बच्चों आप सभी बच्चों का अनकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है लेट्स क्रैक इट यूपीएससी सीएससी हिंदी सबसे पहले आप इस ऐप को इंस्टॉल करो और यहाँ इंस्टॉल करते ही आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स लाइव टेस्ट क्विज एंड अनलिमिटेड एक्सेस सबसे पहले आप ऐप को इंस्टॉल करो और ये देखिए ये है ऑफिशियल अफ, लिंक है टेलीग्राम तो का जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ जितने भी मटेरियल है पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा ये इंडिया के टॉप एजुकेटर है जिनसे आपको जुड़ने का उनके अनुभव का लाभ लेने का अवसर मिलेगा देखिए अनकेडमी में दो प्रकार के कोर्स है यूपीएससी सी हिंदी के लिए प्लस और आईकॉनिक जो प्लस है उसका है फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये दो साल का है टू इयर्स और जो आइकॉनिक है ये प्लस में देखिएगा दो साल एक साल का है तो जो दो साल का है फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और एक साल का है थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रेफरल कोड कैपिटल में है राकेश ध्यान देना बेटा जब हम आएंगे आइकॉनिक यानी इंडिविजुअल स्तर पे प्लस के अतिरिक्त तो आपको हेल्प मिलेगा उसका है दो साल का एटी नाइन और आइकॉनिक एक साल का है 57600 10% ऑफ मिलेगा आपको किसी भी परिस्थिति में अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो देखिए ऑप्शनल भी शुरू होगा 20 तारीख के आसपास संवत 19 से कल हम लोग बात किए थे एंग्लो कॉन्फ्लिक्ट एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान कल मैंने बताया था किस प्रकार हैदर अली ने प्रथम युद्ध के अंतर्गत और दूसरे सेवनटीन एटी टू तक अपनी सैन्य क्षमता कूटनीतिक और रणनीति के बारे में जो है युद्ध के दौरान प्रदर्शित किया वही दूसरे औंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान पिता की मृत्यु के बाद 1782 के बाद तीसरे और अंतिम युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपने जो सैन्य क्षमता है वीरता और साहस का परिचय दिया कई बार तुलना किया जाता है कि टीपू और हैदर के कैरेक्टर को लेकर आज हम लोग देखेंगे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के चारित्रिक अंतर क्या था हैदर अली और टीपू सुल्तान के मध्य जो मेन जो अंतर है टीपू सुल्तान क्या धर्मांत था टीपू सुल्तान एक निरपेक्ष शासक था सिलेबस से क्यों नाम हटाया गया क्या उसका बर्थडे मनाया जाना चाहिए इस सारी तमाम जो है प्रश्न को अभी देखते हैं हम लोग गुड इवनिंग वंदना पांडे अब देखिए हैदर अली का चरित्र और मूल्यांकन ध्यान देना बेटा में मेंस में फैक्चुअल एनालिसिस नहीं होता मेंस मेंस होता है मीनाक्षी भंडारी गुड इवनिंग बेटा सारे अनेक अंग्रेज इतिहासकारों ने हैदर अली के चरित्र और कार्यों के बारे में न्याय नहीं किया उनमें से कुछ ने उसे लुटेरा कहा दूसरे ने कहा क्या राज्य का हस्तगत करने वाला कई कर लोगों ने कहा कि सत्रह में उसने एक हिंदू राज्य को हस्तगत कर लिया परंतु हैदर के अली के बारे में कहना उचित नहीं क्यों ऐसा कहेगा उस युग की परिस्थिति के अनुसार हैदर अली ने अपनी शक्ति और योग्यता से एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करने में सफलता प्राप्त किया गुड इवनिंग राजकुमार स्नेहा गुप्ता कहीं भी नहीं मिलेगा आपको एक निरपेक्ष विश्लेषण में बता रहा हूं यदि अंग्रेजों से उसकी शत्रुता हुई तो उसमें चरित्र का दोष नहीं माना जा या सकता यार चरित्र अलग पक्ष होता है हमें अगर कोई आदमी अच्छा नहीं लगता वो एक अलग पक्ष है हर आदमी हर व्यक्ति से खुश नहीं हो सकता क्या आपसे सब खुश हो सकता नहीं इसमें चरित्र कहां से आ गया अगर हैदर अली एक हिंदू राज का गलत तरीके से हस्तगत करता तो बहुसंख्यक हिंदू विरोध करते लेकिन ऐसा कहीं मिला ही नहीं राजा के समर्थकों को छोड़कर कहीं ऐसा साक्ष्य नहीं है कि बड़े पैमाने पर हैदर अली ने विरोध किया यह हैदर अली का विरोध हुआ कहीं नहीं ऐसा सच तो यह है कि हैदर अली एक जन्मजात सैनिक योग्य घुड़सवार कुशल सेनापति और अच्छा कुटीदिग्ध था यह बड़ा अहम था साधारण नायक की स्थिति से उठकर मैसूर का सेनापति और अंत में सर्वे सर्वा बन गया सत्रह इकसठ तक दम लाइन याद कर लीजिए सहज नहीं होता है कि एक आम आदमी से सर्वोच्च पद को धारण करना वह एक साहसी सैनिक था युद्ध के अवसर पर अपने सैनिकों के साथ किसी खतरे को उठाने हेतु तत्पर था बावर की तरह पता एक अच्छा सैनिक में नेतृत्वकर्ता में क्या गुण होना चाहिए आगे से लीड करे एक बार इंटरव्यू में एक सवाल पूछा पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिशियन और लीडरशिप में क्या अंतर है बहुत अच्छा सवाल था पूछा गया इंटरव्यू में कि पॉलिटिशियन लीडरशिप में क्या अंतर तो बोला गया कि पॉलिटिशियन जो होता है आज हैं, वो पीछे से गाइड करते हैं लीडरशिप हमेशा आगे होता है लीड करता है फ्रंट से ये फ्रंट से लीड करने वाला साहसी सैनिक था उसमें घुड़सवार सेना का नेतृत्व करने की अद्वितीय योग्यता थी ध्यान दीजिएगा पता है यूरोपियन युद्ध पद्धति की उपयोगता के देखते हुए उसने फ्रांसीसियों से सहायता लेने का निश्चय किया तो खाने का प्रयोग भी अच्छी तरह जानता था वो यार सत्रह तो पचपन में जब सेनापति बना डिंडी गुल का किलेदार बना वहां तो उसने वहां पे शस्त्रागार की स्थापना किया फ्रेंच और यूरोपियन पद्धति पर यह क्या दर्शाता है यह दर्शा रहा है कि हैदर अली किस प्रकार से एक बहुत बड़ा सेना नायक है एक संगठन करता है और अपनी सेना को आधुनिक पद्धति पर क्या किया संगठित किया देखो हैदर शिक्षित नहीं था आप ऐसा भी कह सकते हो कि हैदर अकबर की तरह शिक्षित नहीं था परंतु उसकी बुद्धि कुशाग्र थी स्मरण शक्ति तृक्षण थी वह एक ही समय में कई बातों की ओर ध्यान दे सकता था यह बहुत बड़ी बात और ये चीज टीपू में नहीं थी बहुत कुशाग्र होना चाहिए नेतृत्व जो होता है आप जितने बड़े बड़े लोगों से मिलिएगा अब एक बार ही याद होगा उसको तो आप यहां से हो वो वो बात अलग है कि नाटक करता है वो प्रातः काल अपने सभी गुप्तचरों से एक साथ उसकी बातों को सुनता था आवश्यकता अनुसार सभी को आदेश देता था और धार्मिक दृष्टि से भी उदार था ये बहुत बड़ी बात है वो डायरेक्ट लोगों से संवाद करता अपने गुप्तचरों से हिंदुओं को उसके राज में पूर्ण सुरक्षा थी और वह हिंदू और विद्वानों को विद्वानों मंदिरों को दान देता था यह बता रहा है कि वो क्या था निरपेक्ष था ये दिखा रहा है कि वो निरपेक्ष था वह सेकुलर था ध्यान दीजिएगा कहता है वो अच्छा कुटीदिग्ध था था कैसे चाहे वो प्रथम कर रही है सूर्य युद्ध की बात दूसरे की बात उसने दोनों में निजाम और मराठा को और ब्रिटिश के जो त्रिपक्षीय गुट था उसको तोड़ने का काम किया वो एक अच्छा कुटीदिग्ध था जिसने अनेक अवसरों पर अपने शत्रुओं में फूट डालने में सफलता प्राप्त की एक शासकीय दृष्टि से या शासक की प्रबंधक की दृष्टि से वो योग्य भी था ये बहुत अच्छा पॉइंट करें इसमें कोई संदेह नहीं कि निरंतर युद्धों में लगे रहने के कारण स्वयं शासन की ओर ध्यान देने के विशेष अवसर प्राप्त न होने के कारण उसको अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था लेकिन इसके बावजूद जान लीजिए अधिकारी पर निर्भर होने के बावजूद हैदर अली में व्यक्ति की योग्यता को परखने अपराधियों को दंड देने और सेवारत वफादार कर्मचारियों को इनाम देने की क्षमता थी उसमें उसे व्यक्ति को पहचानने की क्षमता थी ये मोहम्मद ये, तुगलक में नहीं था ये टीपू में नहीं था यह अलाउद्दीन खिलजी में था अपराधियों को दंड देने और वफादार जो लोग थे उनके कर्मचारी उनको इनाम देने में पीछे नहीं हटता था और अपनी इसी योग्यता के कारण वह दूसरे से कार्य ले सकता था और अपनी संपूर्ण शासन पर दृष्टि भी रखता था याद रखिएगा एक बेहतर शासक वो नहीं है कि अपने वफादार गुट का निर्माण करे कितना वफादार ढूंढोगे संभव नहीं है एक बेहतर शासक वो है कि वो अपनी आपके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता का वो परख हो उसके अंदर और वो आपकी क्षमता के अनुसार आपसे काम ले काम निकलवाना बहुत बड़ी बात है। और ये गुण था हैदर में मैं आप अधिकारी बनोगे आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा कि आप कहां कहां बदलोगे लोगों को कहां कहां विश्वासी खोजोगे तो आप उन्हीं लोगों में से आपका क्या करना है आपको उनकी क्षमता का दोहन करना है उसने कई अच्छे काम भी किए दरिया दौलत भवन बनाया लाल बाग और गंजाम गंजम शहर का निर्माण किया कहते हैं व्यक्तिगत मामलों में हैदर अली को कीमती गहनों का शौक तो नहीं था परंतु अच्छे वस्त्र से शौक उसे अवश्य था याद रखिएगा कहते हैं उसने राज्य का विस्तार किया था दृढ़ बनाया और प्रजा सुखी थी सरकार और दत्त ने लिखा है कि अपनी योग्यता से स्वयं को बनवाने वाले हैदर अली ने कई लोगों को आपने सुना होगा कुछ लोग को महान बनाया जाता है कुछ लोग महान बनते हैं और कुछ लोग महान पैदा लेते हैं महान उत्पन्न तो बहुत कम ही होता है मैक्सिमम महान बनते हैं अपनी योग्यता से स्वयं को सींचने वाला स्वयं को निर्मित करने वाला स्वयं को बनाने वाला यह हैदर अली ने मैसूर राज्य को दुर्बल और विभाजित पाया जब यह 1761 सिक्सटी वन में बना था वहां का शासक देखा कि मैसूर विभाजित है दुर्बल है लोगों में असंतोष है अगर लोग संतुष्ट होते तो हिंदू राजा का समर्थन करते हैदर अली का समर्थन नहीं करते और उसने अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की सर्वे शक्ति बन गया हैदर न तो लुटेरा था और न ही स्वार्थी और सर्वाधिक सैनिक साहसपूर्ण सैनिक प्रतिभा के साथ साथ उसमें कुशल राजनीतिज्ञ भी था और यही वजह है कि जिन परिस्थितियों में हैदर अली ने मैसूर का निर्माण किया वो अत्यंत कठिन था ध्यान दीजिएगा हैदर को समस्याओं का सामना करना पड़ा एक तरफ मराठा थे मराठा सरदार दक्षिण में एक नवीन और शक्तिशाली मुस्लिम राज्य को सहन नहीं कर सकते थे उसे मुसलमानों से मराठाओं को एक नया शक्ति उभर रहा था हैदर के रूप में वो सहन नहीं कर सकता था उधर हैदराबाद का निजाम अपनी सीमाओं के निकट एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण होने देना नहीं चाहता था और अंग्रेज इस कारण शत्रु बन गए क्योंकि हैदर प्रारंभ से ही फ्रांसीसियों से सहायता लिया था इसके अतिरिक्त अंग्रेज दक्षिण में एक नवीन शक्ति के उदय को अपनी सुरक्षा और विस्तार के लिए उचित नहीं मानता था मतलब देख रहे हैं एक तरफ कौन है मराठा पता ये मराठा का जो है कुछ शासक को छोड़कर मैक्सिमम हिंदू पद पादशाही को अपनाया उधर निजाम भी अपने बाउंड्री के पास किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहता था कि एक मजबूत कोई राज्य हो और अंग्रेज तो चाहेगा ही नहीं क्योंकि अंग्रेज इसलिए नहीं चाहेगा कि वह नहीं चाहेगा कि दक्षिण भारत में कोई मजबूत शक्ति का उद्भव हो अभ्युदय हो उत्कर्ष या विकास हो वह नहीं चाहेगा कि हैदर के नेतृत्व में एक ऐसी शक्ति का उत्पन्न हो या विकास हो जो फ्रांसीसी से मिला हुआ हो यार इतनी इतनी विषम परिस्थिति एक अकेला व्यक्ति अंग्रेजों का मुकाबला करते रह गया हैदर की कुटीतज्ञता थी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में यह मैसूर युद्ध में मैंने कल बताया कि उसने निजाम को किस प्रकार से अपनी ओर मिलाया लेकिन जब हैदर हारा सत्रह अड़सठ में तो निजाम में जाकर संधि कर लिया ब्रिटिश से मराठाओं को 35 लाख रुपया देकर लौटाया यही नहीं जब सेकेंड में युद्ध हुआ तो निजाम को फिर से अपनी ओर किया इसलिए कहा गया कि उस निर्माण किया राज्यों का तो यह कूटनीतिज्ञ था थी। अगर आप इसको कहोगे इसको कहेंगे कुट नीतिज्ञता ध्यान दीजिएगा एक और चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपसे कूटीज्ञता कहेगा तो आप यहां पे विस्तार दे देना फिर दूसरा चीज पूछेगा आपसे कि सैन क्षमता कितना है सैन्य क्षमता आप बताना किस प्रकार से प्रथम कर्नाटक की बात करते हो हैदर की सैन्य तो उसी दिन हो गया कि एक नायक एक साधारण सेना से उठकर सैनिक से उठकर वो सत्रह सौ पचपन में फौजदार बनता है डिंडी गुल का एक जगह था डिंडी गुल सैन्य क्षमता तो उसी दिन प्रदर्शित हो गया कि दक्षिण भारत में प्रथम ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया दक्षिण भारत में तो उसी दिन प्रदर्शित हो गया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में जब निजाम छोड़कर चला गया तो उसने ब्रिटिश को पराजित किया सैन्य क्षमता उसी दिन प्रदर्शित हो गया जब सेकेंड कर्नाटक ये मैसूर युद्ध में पोटोनोवा के युद्ध में पराजित होने के बाद अंग्रेजों को पराजित किया एक निर्माणकर्ता कैसे था उसने गंजाम शहर का निर्माण करवाया, उसने लाल बाग प्रोजेक्ट परियोजना को आगे बढ़ाया एक सबसे बड़ी बात एक निरपेक्ष उसके सिक्कों पर राम और सीता का अंकन हुआ करता था आप इतिहास में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सिक्कों पर कोई हिंदू शासक है इतिहास ऐसा प्रश्न पूछता क्यों नहीं है कितने ऐसे सिक्के हैं कितने ऐसे शासक हैं इस हिंदू शासक जिसके सिक्कों पर इस्लाम का कलमा अंकित है अल्लाह अकबर या सात सौ छियासी अंकित है नहीं है शायद ही मिल पाए यही तो राजनीति है हमें इतिहास को राजनीतिक दृष्टि से पढ़ना पड़ता है क्योंकि लोग पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो आईएस वो नहीं है इसीलिए आई एस में आपको नंबर नहीं आते आपको नंबर नहीं आने का वजह यही है आप पेपर पढ़ते हो आप बीजेपी के सपोर्टर हो आप कांग्रेस के सपोर्टर हो आप विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारधाराओं से प्रेरित हो और वही बोलते हो वही लिखते हो तो नंबर कहां से आएगा यह एक निरपेक्ष है यह सेकुलर है क्योंकि उसके सिक्कों पर अंकन है यार ये प्रथम ऐसा शासक है दक्षिण भारत में जो फ्रांसीसी यानी विदेशी शक्ति से गठबंधन किया दक्षिण भारत का प्रथम ऐसी शक्ति है जिसने यूरोपियन पद्धति पर अपनी सेना को प्रशिक्षित किया कहते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध उसने दो युद्ध लड़े प्रथम में पूर्ण सफलता पाई द्वितीय युद्ध में मध्य में मृत्यु हो गई यह नहीं माना जा सकता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध असफलता सफलता पाई परंतु अपनी एक दुर्बलता को अवश्य था अवध थी नौसेना की कमी हैदर व्यवहारिक था व्यवहारिक कैसे व्यवहारिक था हैदर हैदर जानता था कि अकेले हम अंग्रेज की जो नौसेना है इतनी बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते हम अकेले निजाम अंग्रेज और मराठों की जो त्रिपक्षीय एक अलायंस है उससे नहीं लड़ सकते इसलिए बार बार प्रयत्न किया कि इनको कमजोर किया जाए यह व्यवहारिकता है ना जो शायद नहीं कर सका निरपेक्ष है हैदर के विरुद्ध बहुत कम अवसर आया कि जिसमें इतिहासकारों ने इवन अंग्रेजों ने इसके निरपेक्षता पर इसके सेकुलरिज्म पर किसी ने प्रश्न किए हो एक कूटदिग्ञ है सैन्य क्षमता भी है निर्माण करता भी है सबसे बड़ी बात यह व्यक्तित्व का पारखी भी था जो हम लोग पढ़े हैं ऊपर यह बहुत बड़ी बात आपके अंदर भी व्यक्तित्व की पार्षेपन होना चाहिए अलाउद्दीन में था एमबीटी में नहीं था अकबर में भी था अंग्रेजों के विरुद्ध शक्ति साधनों को नष्ट कर सकता उसने कहा टीपू ने भी देखेगा पिता पुत्र सबने कि अंग्रेजों के विरुद्ध शक्ति साधनों को नष्ट कर सकता हूं समुद्र को नहीं सुखा सकता नौसेना की सहायता से अंग्रेजों को विभिन्न स्थानों से सहायता प्राप्त हो जाती है इसे हैदर समझता था वो जानता था कि अगर स्थल पे मैं हरा भी दूंगा तो जल मार्ग से इसे सहायता मिलेगा और यही कारण था कि उसने फ्रांसी से लगातार निरंतर सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया यार क्या चाहिए एक अच्छा बाप भी सिद्ध हुआ इतना बड़ा बेटा मतलब क्या व्यक्तित्व था और था टीपू सुल्तान का सारे बच्चे गुड इवनिंग तो अगर आपसे आएगा टीपू के बारे में पूछेगा तो मैं एक बार फिर से विश्लेषण दे रहा हूं शॉर्ट में ये शॉर्ट है एक जन्मजात सैनिक कुशल सेनापति और दक्ष साधारण सैनिक से उठकर मैसूर का सेनापति सर्वे सर्वा मनुष्यों को परखने की क्षमता अकबर की भांति शिक्षित नहीं लेकिन बुद्धि क्या था स्मरण शक्ति तीक्षण एक ही बार में कई समस्याओं पर विचार करता था उसने जिस प्रकार से अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का अंकन किया हिंदुओं के साथ बेहतर संबंध स्थापित किया और प्रशासन में सहभागी बनाया सेना को यूरोपीय पति पर प्रशिक्षित किया डिंडूगल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया व्यवहारिक शासक था वो जानता था कि ब्रिटिश को अकेले पराजित करना कठिन का काम है इसलिए फ्रांसीसियों से मराठों और निजाम से सहयोग लेने का प्रयास किया हालांकि उसे केवल फ्रांसीसियों का सहयोग मिल पाया यही शॉर्ट है सेकेंड वाले में शॉर्ट लिख दिया मैंने तो मैं जितना बताया हैदर के बारे में पांच छह पॉइंट आपको फिर से बता देना हूं पहला जन्मजात सैनिक सैन्य क्षमता व्यक्तित्व को परखने की क्षमता जो उससे अन्य लोगों से आगे ले जाता है अकबर की तरह अशिक्षित लेकिन व्यवहारिक और इसीलिए वो निजाम मराठा या फ्रांसीसियों का सहयोग लेने का प्रयास किया क्योंकि जानता है कि वो नौसेना उनकी ब्रिटिश की तुलना में कमजोर है हैदर जानता है कि बहुसंख्यक हिंदुओं पर शासन करना आसान नहीं है उसने उसने क्या किया हिंदुओं को अपने सत्ता में सहभागी बनाया अच्छे पद दिए अपने मुद्राओं पर अंकन किया किसका देवी देवताओं का एक गाना है झूठाई सही प्यार करो अरे कब कर जब झूठाई तो किया किया तो एक खूबसूरत व्यक्तित्व हैदर है अली का अब एक ऐसा व्यक्तित्व जो तो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा विवादास्पद शासक मोहम्मद बिन तुगलक की भांति एक इतिहासकार ने कहा टीपू सुल्तान के बारे में कि लाख आप इसकी आलोचना कर ले लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि अपने समय का उससे बेहतर मतलब जो नवोचार इनोवेशन करने वाला शासक और उससे बेहतर साहस वाला शासक आधुनिक भारत में जन्म नहीं दिया एक अंग्रेज इतिहासकार का कथन है यार कमियां तो होगी इतिहास क्या है मैंने बार बार सिखाया इतिहास का मतलब यह नहीं है कि हम दो हम तीन कमियों के कारण इतिहास का मतलब यह नहीं है कि हम दो और तीन कमियों के कारण किसी व्यक्ति को क्या करे? आलोचना करें इतिहास कहता है कि अगर किसी में पांच कमियां हैं और बीस कमियां बीस अच्छाइयां हैं, आप अच्छाइयों पे फोकस करो कमियों को बनाओ सीमाएं थी उनकी थी इंसान है तो कमियां रहेगी याद रखना जय हिंद बेटा देवन हल्ली पचास में जन्म हुआ नाने मर गया सिंधु सुल्ताना तारीख खुदाई उसने पिता के द्वारा शुरू किया गया लाल बाग परियोजना को पूर्ण किया और उसने कावेरी नदी पर कावेरी नदी पर कृष्णा बांध सागर की आधारशिला रखी देखो टीपू सुल्तान की एक पुस्तक है सैन्य संबंधी पुस्तक जिसमें उसने प्रक्षेपास्त्र और तकनीक की का जिक्र किया है नाम है फुताहुल मुजाहिदीन ये प्री नहीं है मेंस भी है अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे यार कितने शासक थे उस समय के जिसने तकनीक और प्रक्षेपास्त्र की बात की लंदन के म्यूजियम में रॉकेट रखा गया प्रक्षेपास्त्र रॉकेट अबुल कलाम आजाद ने मिसाइल मैन ने उन्होंने कहा कि मेरा जो फेवरेट है रोल आइकॉन मॉडल जो कहते हैं आप रोल मॉडल वो कौन है टीपू सुल्तान है टीपू ने मतलब ये इसको कहते हैं आधुनिक आपको आधुनिक मानो इसको ये आधुनिकता है जहां कमियां है वो अलग चीज है मैं देखूंगा उसको कमियां अलग है टीपू ने सीरंगप्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और फ्रांस के जैकोबियन क्लब का मेंबर बना। यानी स्वतंत्रता का वृक्ष क्या है देखो पेड़ नहीं है कि आपको रोपने से उसके आरोपण करने से एक स्वतंत्र हो जाओगे हिंदुस्तान स्वतंत्र हो जाता ऐसा नहीं था बल्कि एक संकेत था प्रतीक था एक ललक था हिंदुस्तान के जो है स्वतंत्रता का एक ललक था अंग्रेजी दास्ता उनके बेरियों को तोड़ने का फ्रांस का एक क्लब था क्रांतिकारी क्लब जैकोबियन, यार उसका मेंबर बनता है इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीयवाद कहते हैं पिता की तरह हिंदू देवी देवताओं का सिक्कों का प्रचलन करवाया यार अगर कोई आदमी कट्टर होता जितना कहा जाता है तो क्या हिंदू देवी देवताओं का अंकन करता अपने सिक्कों पर बताओ जरा मैं तो नहीं करता मैं अगर हिंदू होता मैं कट्टर होता तो मैं तो अपने सिक्कों पर किसी मुसलमान या इस्लाम के प्रतीक का प्रयोग नहीं करता आप भी नहीं करते अब यामत बोलना कि सर उसने मंदिर है। वो एक अलग मुद्दा है, देखूंगा उसको उसका सिंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के प्रति श्रद्धा था मंदिरों को पुनर्निर्माण के लिए धन विदान भी में भी दिया शारदा देवी के मंदिर में मूर्ति स्थापित करने के लिए धन प्रदान किया यार कोई अगर धर्मांध होगा कट्टर होगा तो क्या दूसरे धर्म के बारे में ऐसा सोचेगा क्या दर्शाता है टीपू क्या है धर्म निरपेक्ष है लेकिन कैसे एक सीमा तक यह लिखने में शर्म आ रहा है क्या आपको नहीं हमने कहा एक सीमा तक अब बताना कि वो सीमाएं क्या थी पढ़ेंगे अभी टीपू ने यूरोपीय पत्ती में सेना को प्रशिक्षित किया बंदरगाह बनाया हम एक समा साधारण काम बता रहे टीपू सुल्तान का फिर आगे आ रहे हैं उसने तकावी किसानों को तकावी दिया यार कृषि हित की बात करता है पूरे आधुनिक भारत में या तो मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब ने तकावी दिया मिड पीरियड में मोहम्मद बिन तुगलक और आधुनिक काल में टीपू को आप भूल नहीं सकते उसने दक्षिण भारत के पोलीगर जमींदार थे उनके कुछ अधिकार थे बंसानुगर उसको नियंत्रित किया उसका किसानों से प्रत्यक्ष संबंध था टीपू ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए फ्रांस तुर्की सीरिया अरब अफगानिस्तान में दूध भी भेजा यार बताओ ना उस समय कितने ऐसे पता है मुझे आज भी याद है जो आप इतिहास को पढ़ोगे मतलब ये जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने अपने यहां फ्रांस और इटली के सेना नायकों को बुलाया सेनापति को बुलाया ट्रेनिंग दिया लॉर्ड ऑकलैंड जाते हैं पंजाब के राजधानी में दौरा करते हैं और कहते हैं कि रंजीत सिंह की सेना एशिया में सर्वश्रेष्ठ सेना है रंजीत सिंह की सेना एशिया में अरे उनको तो विरोध करना चाहिए कि आप फ्रांस और इटली के सेनापतियों को बुला रहे हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं किया उसने क्योंकि उन्हें चाहिए था रंजीत सिंह जैसा समर्थक उनको रंजीत सिंह से खतरा नहीं था उन्होंने एक संधि कर चुके थे अमृतसर की लेकिन टीपू से खतरा था यह टीपू का अंतरराष्ट्रीय वाद है यह टीपू का यह क्या है किसान हित है कृषक हित है उसने सिक्के जारी किए मापतौल के पैमाने बनाए और एक अरबी कैलेंडर को प्रचलित किया नौसेना बोर्ड वाणिज्यिक बोर्ड बहुत सारे व्यापारिक उत्पादों पर राज्य का विशेषाधिकार था टीपू सोम स्वयं को नागरिक टीपू कहता था यह क्या है आपने देखा किस प्रकार से टीपू सुल्तान क्या है कृष्णा सागर बांध लाल प्रोजेक्ट तकनीक एक का रॉकेट अगर आप स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए जैकोवियन क्लब का मेंबर बने या भारत के बाहर दूत मंडल भेजते हैं वो वाद को दर्शाता है और अगर आप अपने सिक्कों में हिंदू कांकन करते हैं देवी देवताओं का या मूर्ति स्थापित करते हैं यह धर्मनिरपेक्षता भी बतलाता है किसान हित तो की बात करता है अब एक क्या सवाल है दो सवाल तीन सवाल आपके सामने है जो आपके मन में कौनता है क्या कौनता है सुनिए पहला सवाल क्या टीपू जितना कहा जाता है सेकुलर है या टीपू है दूसरा कर्नाटक सरकार ने क्लास सेवन की किताब से हटाया टीपू सुल्तान और हैदर अली का चैप्टर क्यों हटाया मेंस में इंपॉर्टेंट है बार अब आप जरा सुनना ध्यान से मैं एक बड़ी अच्छी रोचक चीज बताता हूं आपको कई साल पहले देखो आप लोग किसी ना किसी विचारधारा से संबंधित होगे कोई बुराई नहीं है आप बीजेपी का समर्थन करो कांग्रेस का कोई का करो ये एक आपका अलग है लेकिन आई एस का तो विचार अलग है पाथ, ने किताब निकाला ए, नेट पे मिल जाएगा और उसे बताया कि टीपू एक महान शासक था जब यदुराप्पा ने जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है जब बीजेपी से हटे थे तो उसने टीपू सुल्तान की जयंती को मनाया क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए था और जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो इनकी जयंती मनाता है क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट बैंक चाहिए सरकार ने हटाया कक्षा सात के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर से अठारहवीं शताब्दी के दो विवादास्पद शासक टीपू सुल्तान और पिता हैदर अली मुझे बड़ा चाताजुब लगता है आप इतिहास पढ़ते हो इतिहास के पन्नों से मीर जाफर को क्यों नहीं हटाते मीर जाफर ने सौदेबाजी की थी पलासी के युद्ध में आप क्यों नहीं लिखते कि हिंदुस्तान के गद्दार नंबर वन लिखना चाहिए ना आप क्यों नहीं लिखते आपको लिखना चाहिए कि बाबर को किस प्रकार से एक राजपूत शासक ने आमंत्रित किया था लिखिए ना आप क्यों नहीं लिखते कि एक राजपूत जयचंद ने मोहम्मद गोरी को समर्थक किया समर्थन दिया नहीं लिखते ना ऐसा क्यों लिखना चाहिए ना लिखना नहीं है लेकिन तो यहां भारत का इतिहास अगर आपसे पूछा कि इतिहास है क्या तो जो भारत के अंदर जो नहीं लिखा गया किताबों में वही इतिहास है आपको वह इतिहास पढ़ाया जाता है जो रानीता चाहते हैं कर्नाटक सरकार ने कक्षा सात से हटा दिया ऐसा क्यों हटाया देखिएगा देखेगा कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण दो हजार के सिलेबस में कम करने के लिए कर कर्नाटक सरकार ने इसको चुना है कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसाइटी वेबसाइट पर अपलोड किए गए संशोधित पाठ्यक्रम से पता चलता है कि कक्षा सात के सामाजिक विज्ञान पाठ अध्याय पांच में हैदर अलिया टीपू सुल्तान को हटा दिया गया और इसके जगह नया पीपीटी को जगह मिली सरकार ने कहा कि काम को कम करने का निर्णय लिया गया कोविड की वजह से और केवल 120 दिन बचे गए इसीलिए अधिकारियों ने कहा कि यह ध्यान देना चाहिए कि छात्र टीपू के एक बारे में कक्षा सिक, और टेन में पढ़ते हैं छ अगर आप इंटरव्यू लिखिएगा तो क्या बोलिएगा सरकार ने क्या किया सेवेंथ से इसलिए हटाया कि सिलेबस को कम करना था केवल इनको नहीं हटाया पैगंबर साहब को भी हटाया और कई अन्य लोगों को भी हटाया और दूसरी बात ध्यान देना चाहिए कि कक्षा सिक्स और टेंथ में टीपू सुल्तान और हैदर अली को पढ़ा जाता है एक तो बिगनिंग में पढ़ते हैं आप और एक लास्ट की क्लास में पढ़ते हैं अब सुनना बेटा आपके पास क्या है सरकार ने इसका मतलब अगर बहुत ध्यान से देखोगे चाहे सरकार किसी की भी हो यह बहुत निगेटिव निर्णय नहीं है थोड़ा बहुत वोट बैंक का मामला हो सकता है लेकिन आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स है कि सरकार के पास कार्य दिवस कम था इसलिए हटाया लेकिन सिक्स और टेंथ में आज ही पढ़ा जाता है हाँ यह गलत है सत्ता में आने के बाद कर्नाटक ने भाजपा की सरकार को पू सुल्तान की जयंती समारोह को समाप्त कर दिया यह राजनीतिक मामला है पॉलिटिकल इशू है जबकि इसी वार्षिक कांग्रेस ने 2015 में सीधा राम के नेतृत्व में कांग्रेस के शासन के दौरान लॉन्च होने के बाद से ही विरोध किया जा रहा है पहली बार 2015 में इनकी जयंती मनाई गई नवंबर में यह राजनीतिक मामला है अब आइए आपको मैं बताता हूं एक बहुत ब्यार, ब्यार मतलब है टीपू सुल्तान का चरित्र मूल्यांकन तो मैं देख लिया कि किस क्यों हटाया गया कारण क्या है कहते क्या है सुनिएगा टीपू के चरित्र के विषय में तत्कालीन और आधुनिक इतिहासकारों में विरोध है कहते हैं वो कठोर था अत्याचारी था धर्मांध था ध्यान में सुनना बेटा अपने योग्यता का बहुत घमंड था वह विज्ञान चिकित्सा सा इंजीनियरिंग सैनिक व्यवस्था व्यापार आदि सभी विषय के बारे में मत प्रकट किया करता था जबकि पर्याप्त उनको ज्ञान नहीं था अभिमान होने के कारण उसमें खुतवा मुगल शासक के नाम से नहीं बल्कि अपने नाम से पढ़वाना प्रारंभ कर दिया उसे स्थानों और नियमों को बदलने की सनक थी वह अनावश्यक ही अपने नामों में परिवर्तन करता था उसे मनुष्य के चरित्र का ज्ञान नहीं था उसके बारे में उचित निर्णय नहीं ले सकता था सुनना ध्यान से ये, ये इनका मूल्यांकन किया गया एक कुछ इतिहासकारों ने किया अब जरा यह बताओ ब्रिटिश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था हैदर और टीपू तो फिर कैसे सोचते हो कि ब्रिटिश जब उस समय इतिहास लिखेगा तो वो हैदर या टीपू के बारे में अच्छे शब्द लिखेंगे पहली बात पहली बात दूसरी बात क्या कह रहा है जरा सुनिएगा वो कठोर था अत्याचारी था धर्मांत था हम धर्मांत देखेंगे यार घमंड तो किसको नहीं होता है अपनी योग्यता का योग्यता का घमंड आप उसको घमंड कहो या अभिमान कहो या गर्व कहो यार अपने मत को प्रकट किया करता था जबकि ज्ञान नहीं था अगर इसको ज्ञान नहीं होता अगर इसको ज्ञान नहीं होता तो रॉकेट की तकनीक की बात नहीं करता अगर इसको ज्ञान नहीं होता तो प्रक्षेपास्त्र की बात नहीं करता अगर उसे ज्ञान नहीं होता तो नौ सैनिक बोर्ड नहीं बनाता अगर टीपू को पर्याप्त ज्ञान नहीं होता वाणिज्यिक बोर्ड नहीं बनाता अगर टीपू को पर्याप्त ज्ञान नहीं होता तो अपने दूत को हिंदुस्तान के बाहर में नहीं भेजता अगर टीपू को ज्ञान नहीं होता तो फ्रांसीसियों का सहयोग प्राप्त नहीं करता नौसेना को महत्व को नहीं समझता आप क्यों नहीं समझते आलोचना करना बहुत आसान होता है रही बात मुगल शासक के नाम से खुतवा नहीं पड़वाना बहुत ऐसे शासक हुए जिन्होंने मुगल सत्ता को नहीं माना मुगल सत्ता कमजोर थी उस समय अरे स्थान और नियम बदलने की सनक तो आज भी आज की सरकारों में भी है जब आज की सरकारों को तुम देखोगे तो कभी किसी जगह का नाम चेंज होता है तो कभी किसी जगह का तो क्या आप उसकी भी आलोचना करोगे क्या लिखोगे क्या कि वो सन की सरकार है क्या ये जरूर था मनुष्य को परखने का गुण उसमें नहीं था यह बात काफी हद तक सही है यह गुण पिता की तरह नहीं था उसमें कई आप सहमत हो सकते हो नहीं भी हैदर चरित्र के मूल्यांकन में कभी भूल करता था जबकि टीपू कभी ठीक होता था यह मैं बताऊंगा कि काफी हद तक सही था अपने समय में अनेक व्यक्तियों को कठोर यातनाएं दी बेदर्दी से कत्ल करवाया टीपू धर्मांध था यह भी आलोचना है हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार कठोर था उसने कुर्ग के हिंदुओं को धर्मांतरित किया इसी कारण हिंदू प्रजा संतुष्ट थी यह आलोचना है सारा कते टीपू ने राजनीतिक दुर्दशा नहीं थी इसलिए उसने पड़ोसी राज्यों से सहायता नहीं ले पाया खुतवा का मतलब होता है जब नवाज के दिन पढ़ा आता है तो उस दिन क्या है शासक का बादशाह का नाम लिया जाना समझ रहे हैं? जब आप नवाज पढ़ते हो सरकार की ओर से वो जैसे होते हैं नवाज पढ़ने तो वो देखेगा जुमा के दिन क्या होता है वो एक पढ़ा जाता है तो उसमें क्या होता है जैसे आप आप अपना नाम भी लेते हो सबका नाम लेते हो पिता का नाम अपना नाम पूर्वजों का नाम तो उसमें सबसे पहले जो सर्वोच्च सत्ता होती है भारत में कौन था मुगल उसने फ्रांस से सहायता लिया अन्य मुस्लिम राज्यों से लिया और इसीलिए साम्राज्य को खो दिया कहा गया हैदर अली सम्राज का निर्माण करने के लिए उत्पन्न हुआ टीपू खोने के लिए लेकिन नहीं आप जो आरोप लगाते हो पूर्णतः सत्य नहीं है सत्य क्यों नहीं है एन ऐसे कई इतिहासकार हैं जो टीपू के चरित्र और कार्य के विषय में अलग मत व्यक्त किए आपने क्या कहा वो निर्दयी था धर्मांध था मनुष्य का पारखी नहीं था व्यवहारिक भी नहीं था यार एक चरित्र पर इतना लांछन मोहम्मद भी तुगलक पे लगाते हो यह भारत की खूबसूरत विशेषता है एक बच्चा ने लिखा सर हिंदू हत्यारा हत्यारा था था, सुल्तान। जब हिंदू तो इतिहास के ऐसे शासकों को चुनो बहुत सारे हिंद ऐसे शासक मिलेंगे तुम्हें हिंदुओं में भी जिसने बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कर कत्ल करवाया उसे कौन सा हत्यारा कहोगे ऐसे निर्दयी शब्द सब्ड, कठोर शब्दों का इतिहास ऐसे निर्दयी शब्दों का इतिहास राघवेंद्र नहीं करते चीजों को समझने का प्रयास करो यूपीएससी में यही दृष्टिकोण आपको नुकसान पहुंचाएगा हां कैसे सुनो ये बोला गया कभी भी जब आक्षेप लगाया जाए तो आक्षेप के एक आधार होते हैं इन आधारों पर ठीक है अब इसका क्या होता है पक्ष दे दिया आपने अपना अब इसका विपक्ष भी, भी होता है कि भाई किन आप काटो ना इसको अरे यार वो फारसी और कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान ज्ञानी था राजनीति में रुचि था विदेशी राज्यों से व्यवहार में कुशल था अगर उसने विभिन्न देशों में दूत भेजा संपर्क स्थापित किया यूरोपियन पद्धति पर सेना को संगठित किया तो यह दर्शा रहा है कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय वाद में पिता की तरह उसके अंदर भी हुनर है पिता से आगे ही है कर मराठा और निजाम से सहायता न मिलने और अंग्रेजों से शत्रुता होने में स्वयं का कम और इतिहास की घटनाओं और परिस्थितियों का दोष अधिक था यार हर आदमी का एक सोच होता है ठीक है यह हम मानते हैं कमी थी हम मानते हैं कि पिता अंत समय तक प्रयास किए कि अकेले संभव नहीं है तो मैं मराठा और निजाम को मिलाऊं, अंग्रेजों को कमजोर करूं लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हैदर ने देखा कि दोनों मैसूर युद्ध में पिता ने प्रयास किया इसके बावजूद निजाम और मराठा ने अंत समय में छोड़कर चला गया हो सकता है ये चाहता हो कि इससे बेहतर है कि मैं अकेले संघर्ष करूं ये ऐसी कमी भी हो सकती है और ये सोच भी तो हो सकती है उसने निजाम और मराठों की मित्रता हो जाने के पश्चात मुगल बादशाह को सिंधिया के प्रभाव में समझाकर सत्रह में खुतवा अपने नाम से पढ़वाया और उसने निजाम से मित्रता और विवाह संबंध का प्रस्ताव किया था जो निजाम के द्वारा टुकड़ा दिया गया ये कौन लिखाएगा किताब में परो हिस्ट्री परोहिस्ट्री प्रस्ताव भेजा था निजाम से विवाह का प्रस्ताव मित्र का ये प्रस्ताव निजाम ने टुकड़ा दिया क्योंकि निजाम कभी नहीं चाहता था कि उसके सीमा पर हैदर या टीपू जैसा एक बहुत बड़ा एक बड़ी सेना या मजबूत कोई जो राजतंत्र हो वहां पे हो वह एक साहसी सैनिक सेनापति था तृतीय मैसूर युद्ध में बुरी तरह दुर्बल होने पर भी साहस नहीं छोड़ा अपनी पराजय को अस्थाई मानने के स्थान पर तुरंत अपनी शक्ति को एकत्रित किया आंशिक रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय शासकों में अकेला शासक था जिसने बिना किसी समझौते के किसी विदेशी शक्ति के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसने टीपू को योग और प्रश्न माना मिल ने लिखा मिल इतना बड़ा नाम है मिल का उसे लिखा आंतरिक शासन की दृष्टि से इसकी तुलना पूर्व के किसी महान शासक से की जा सकती है यही नहीं सर जॉन सोर ने क्या लिखा सुनिएगा यार अंग्रेज अगर किसी की प्रशंसा करे तो आप सोचो कितनी कोई साधारण शासक सा तो नहीं होगा उसके राज्य में किसानों की रक्षा की जाती थी उसने श्रम को प्रोत्साहन और इनाम दिया जाता था टीपू ने सेना व्यापार मुद्रा ऋण व्यवस्था माप तौल के साधनों आदि शासन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए मालावार क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों का निर्माण किया या टी? इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि टीपू शासक था, था। परंतु उसने की भलाई के लिए कार्य किए यह सर सोर ने लिखा अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उसने कठोरता का परिचय दिया परंतु यह अपराधी और विद्रोहियों के बारे में था न कि सार्वजनिक अत्याचारों की दृष्टि से यह उन्हें दंडित करता था जो अपराधी थे विद्रोही थे समझ में आ रहा है आपको व्यक्तिगत दृष्टि से टिपू में कोई दोष नहीं था कहते कट्टर मुसलमान था पांचों वक्त की नमाज पढ़ता था ईश्वर में पूर्ण विश्वास करता था परंतु धर्मांध नहीं था यह आवश्यक रूप से सिद्ध नहीं होता कट्टर मुसलमान के जगह पे आप यह भी कर सकते हो इस्लाम के प्रति इसकी बहुत ज्यादा श्रद्धा था टीपू ने कुछ स्थान पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया ईसाइयों को बाहर निकाला लेकिन यह उसकी सार्वजनिक नीति नहीं थी यह सभी ईसाइयों के बारे में नहीं था सभी हिंदुओं के बारे में नहीं था यह ऐसे हिंदुओं के बारे में था जिन हिंदुओं ने ब्रिटिश का समर्थन किया यह ऐसे ईसाइयों के बारे में था जिसने टीपू का विरोध किया यार मराठे के बारे में लिखते तुम मराठो मराठा जब जाते थे तो उनके साथ पिंडारी जाता था पिंडारी लूटपाट किया जाता था और लूटपाट करते थे निर्दयी की तरह आप उनके बारे में तो नहीं लिखा आपने यार आप पढ़ो किताबों को उस समय का जो किताब लिखा गया यह बात सही है कि उसने मंदिरों को तोड़ा लेकिन कहां का मंदिरों को तोड़ा ऐसे हिंदुओं को धर्मांतरित किया जो अंग्रेजों का समर्थन किया ऐसे ईसाई दरअसल पहली बार आज तक अंग्रेज और यूरोपीय भारतीयों को धर्मांतरित किया था टीपू पहला शासक था जो ईसाई को ही धर्मांतरित कर दिया बात समझ में आ रही है आपको टीपू पहली बार ऐसा कोई शासक था जो ईसाई को धर्बानित कर दिया लो तो स्वाभाविक बात है जब लिखेंगे तो बुराई तो करेंगे हम टीपू का नहीं टीपू कुछ गलत कार्य किया दो राय नहीं है। सिंगेरी में पत्र प्राप्त हुए हैं सिंगेरी के मंदिर में सुनिएगा टीपू हिंदुओं की भावनाओं को संतुष्ट करना जानता था उसकी धर्मानता उसके पतन का कारण नहीं था ऐसे कई उदाहरण है टीपू ने हिंदू मंदिरों को दान दिया था हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी इसका मंत्री था वो सिंगिरी के जगत गुरु शंकराचार्य का सम्मान करता था पत्र व्यवहार करता था हाँ ये बात सही है पिता की तुलना में उतना उदार नहीं था अनुदार था और यही वजह है कि उसके समय में उसकी हिंदू प्रजा में थोड़ा असंतोष व्याप्त थोड़ा कहां पे थोड़ा सा जो लोग इनसे खुश नहीं था वास्तव में कई जगह ऐसे मिलते हैं जहां पे जो भी हिंदू या ईसाई इसका विरोध करता वो कतलेआम करवा देता था यह बात सही है सही बात यार तो तुम्हें समझना तो पड़ेगा ना आपको समझना पड़ेगा कि उस समय यही होता था लेकिन क्या इससे उसकी सारी उपलब्धि खत्म हो गई हां टीपू में कुछ कमी आती उसने अपनी घुड़सवार सेना की अपेक्षा पैदल सेना और किलेबंदी पर अधिक ध्यान दिया यह नेगेटिव पॉइंट है टीपू का उसने घुड़सवार की पिता ने घुड़सवार बल दिया इसने पैदल सेना और किलेबंदी पर आक्रमक नीति के स्थान पर सुरक्षात्मक नीति अपनाया ये जो दो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकार टीपू में कुछ दोस्त थे कुछ अच्छाई राघवेंद्र कुमार बेटा अभी मैं बता रहा हूं वो अपने पिता की भांति सफल और योग सिद्धि हो सका परंतु तब भी वो योग और साहसी था इसमें कोई संदेह नहीं देखिए एक बड़ा अच्छा अबे टीपू सुल्तान था आदित्य प्रताप सिंह एक बच्चा ने पूछा हाँ राघवेंद्र एक याद रखना टीपू सुल्तान आपने कहा देखिए टीपू सुल्तान और उसकी मैंने टीपू के बारे में क्या बताया सामान्य काम क्या किया टीपू सुल्तान ने दूसरा बताया कि टीपू सुल्तान का सिलेबस से नाम हटा दिया गया हैदर का क्यों तीसरा बताया कि टीपू सुल्तान के व्यक्तित्व के बारे में और लास्ट टीपू सुल्तान और उसकी धर्मांधता पक्ष में और विपक्ष में एक बच्चा ने एक सवाल किया और तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं आपको टीपू ने जो बोला कि अगर जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करेगा वो काफिर कहलाएगा ये पूरे राज्य में नहीं था ये वहां पे था जहां पर इसके दुश्मन थे जहां पर हिंदू या इसाई टीपू सुल्तान का विरोध किया वो वहां की नीति थी याद रखना बेटा राघवेंद्र अगर आप बोलते हैं टीपू सुल्तान धर्मांत था महान सवाल सुनना ध्यान से फिर मैं सारे सवाल का जवाब दू पर पक्ष क्या है कहा गया टीपू द्वारा कुर्ग के नायर समुदायों का दमन किया गया जो ब्रिटिश के मित्र थे पहली बात कुर्ग है जगह जहां के नायर समुदायों का दमन किया टीपू सुल्तान ब्रिटिश के मित्र थे मंगलोर के ईसाइयों का धर्मांतरण किया उसका दमन किया मंगलोर के ईसाइयों का धर्मांतरण और दमन किया यही बात सही है उसके द्वारा अनेक मंदिरों और गिरजाघरों का विध्वंस किया इस आधार पर कहा जाता है धर्मांध है टीपू द्वारा तृतीय जब युद्ध हुआ चिरंगपटनम की संधि के बाद 37.5 परसेंट भू राजस्व वृद्धि कर दिया जो जनता के लिए असहनीय था और इसको अत्याचारी और हिंदू विरोधी बताया गया तो पहला क्या है कुर्ग के नायर समुदायों का दमन दूसरा क्या है मंगलोर के ईसाइयों का धर्मांतरण तीसरा क्या है मंदिर और गिरजाघर का विध्वंस किया जाना फिर टैक्स बढ़ा दिया अब विपक्ष में देखिएगा निश्चित रूप से टीपू ने कुछ मंदिरों और गिरजाघरों का विध्वंस किया आप पे अगर कोई आक्षेप लगाए इसका मतलब है कोई रीजन है तभी तो आक्षेप लगा रहा है आप पे आपका कोई अगर बोल रहा है कि आप गलत हो तो कोई आक्षेप लगाने का आधार तो होगा अब सुनिएगा आप बोलिए कि हाँ टीपू सुल्तान ने मंदिरों और गिरजाघरों का विध्वंस किया अनेक हिंदुओं और ईसाइयों को धर्मांध किया जो अनुचित था गलत था आप इस काम को सही सिद्ध नहीं कर सकते चाहे टीपू हो या कोई हो चाहे वो कोई भी काल हो लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों को उत्तरदायी थी जहां तक हिंदुओं का प्रश्न है तो उसके दमन करने का मूल कारण यह था कि ब्रिटिश के मित्र थे और टीपू के विरुद्ध ब्रिटिश का साथ दे रहे थे पॉइंट नंबर वन समझाया कि नहीं यह होता है यूपीएससी का प्रश्न और यूपीएससी का फॉर्मेटिंग हमने कहा था कि रोज एक फॉर्मेटिंग करवाएंगे बोल बोलना कोई गोल मटोल बात नहीं कि मंदिर को तोड़ा गिरजाघरों का विध्वंस किया जो गलत था लेकिन ऐसा इसलिए किया कि ब्रिटिश के मित्र थे हिंदू और टीपू के विरुद्ध ब्रिटिश का शांत यहां महत्वपूर्ण है प्रारंभ से ही अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए धर्म का प्रयोग होता रहा है टीपू को टीपू के इस नीति को इसी संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है यार क्या आज धर्म का प्रयोग नहीं होता लिखना नहीं है केवल इस बात को लिखना है किसी पार्टी का नाम नहीं लिखना क्या आज मंदिर मस्जिद का नाम नहीं होता क्या हर पार्टी अपने अपने राग नहीं अलापता जब आज धर्म की बात हो रही है चाहे वो औरंगजेब का काल हो चाहे अकबर का काल हो अशोक का काल हो या कोई भी काल हो सत्ता के लिए धर्म का प्रयोग हमेशा होता आया है और टीपू सुल्तान की जो नीति थी इसको इसी संदर्भ में देखने की जरूरत है गलत है फिर भी आप समझिए बातों को टीपू सुल्तान अगर धर्मांध होता तो श्रीरंगपट्टनम के अंदर किले में श्रीरंगनाथ का मंदिर नरसिंहा का मंदिर और गंगा दशहरा मंदिर में पूजा के दौरान टीपू द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया यार अगर मैं हिंदू हूं और मैं अगर धर्मांध हूं तो मेरे बाउंड्री के अंदर कोई मस्जिद हो ही नहीं सकता एक मुसलमान शासक है अगर उसके किले के अंदर यह हिंदू मंदिर है पूजा अर्चना होता है इसका मतलब है कि टीपू का जो धार्मिक नीति है धार्मिक नीति जो गलत है कई जगह वो सार्वजनिक नहीं है सार्वजनिक नहीं का मतलब यह है कि टीपू जो गलत तरीके से कई बार हिंदुओं के प्रति और ईसाइयों के प्रति जो नीतियां अपनाता है वो सार्वजनिक नहीं है वो केवल कुछ क्षेत्रों के लिए है कुछ लोगों के लिए है जो इनका विरोध करता है ब्रिटिश का साथ देता है ये ध्यान देना यार हिंदू देवी देवताओं से सिक्के चलवाया क्या एक धर्मांध शासक ऐसा करेगा कहते हैं टीपू की निरपेक्षता इस तथ्य प्रकट होती है जगत गुरु शंकराचार्य के प्रति अपार श्रद्धा थी उसके मंदिरों में पुनर्निर्माण के लिए धन भी दिया गया एनसीआर जब टीपू ने मराठों द्वारा शारदा देवी का मंदिर को विध्वंस कर दिया गया था तो शंकराचार्य को मूर्ति स्थापित करने के लिए धन दिया जब टीपू पर अटैक किया गया था जब नहीं जीत पाया तो जाते जाते मंदिर विध्वंस कर दिया और बाद में टीपू ने इसको बनवाया था एनसीआरटी में यही नहीं जिस प्रकार से टीपू सुल्तान ने, आप कहते हो कि थर्टी सेवन परसेंट साढ़े सैतीस परसेंट टैक्स बढ़ा दिया तो यार हिंदू के साथ मुसलमान के लिए भी तो बढ़ाया ऐसा तो नहीं है कि अपने राज्य में केवल हिंदुओं के लिए बढ़ाया मैं एक सवाल पूछता हूं तो सिद्ध हो गया कि जितना कहा जाता है कि टीपू धर्मान था उतना धर्मां नहीं है और कितना महान था आपको मैं एक लिस्ट बताता हूं निशान हैदरी किताब है मीर हुसैन अली खां किरमानी का उसमें बताया गया है किस प्रकार से जब तीसरा ऑंगल मैसूर हुआ था हिंदुस्तान का पहला ऐसा बादशाह है या पादशाह कहो या एक शासक कहो जिसने अवसर होने के बावजूद स्वाधीनता को बड़िया दिया और अपने दो पुत्र को गिरवी रख दिया कितने ऐसे हैं जो अपने पुत्र को साम्राज्य की रक्षा के लिए गिरवी रखा बताइए यही नहीं निजाम और उसके वजीर ने नाम था मीर आलम चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में सबने चारों तरफ से घेर लिया अड़तीस हजार का सेना था इसके पास ब्रिटिश के पास मराठा निजाम बंगाल की सेना सब जगह की सेना मिलाकर चारों तरफ से घिर गया था एक दर्दनाक दास्ता है उस समय का अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार टीपू कोई साधारण नहीं है इसका एक मंत्री था पुर्णिया क्या नाम है पूर्णिया वो इतना विश्वासी ब्राह्मण मंत्री है वो जाकर मिल गया किससे वो जाकर मिल गया अंग्रेज से उसका एक दीवान था दीवान का नाम था मीर सादिक वो जाकर मिल गया अंग्रेज से और उसने इसके सबसे विश्वस्त अफसर था गाजी खां उसको मार दिया कमरुद्दीन खां एक नमक हराम कहा जाता है उस उसने किताबों में कि यार इतना ज्यादा विश्वास किया सब ने धोखा दिया और सीरंगप्टनम की किला को बचाते हुए जिस प्रकार से झांसी की रानी अपनी राज की सुरक्षा करते हुए मरी थी और यह व्यक्ति उससे पचास साल पहले सीरंगप्टनम की किला की रक्षा कर रहा था तो यह नहीं देखा कि यह केवल मुसलमानों का प्रतीक है सीरंगप्टनम का किला सीरंगपटनम के किले के अंदर केवल मुसलमान नहीं थे सीरंगप्टनम का किला मैसूर राज का प्रतीक था और मैसूर राज में केवल मुसलमान नहीं थे हिंदू भी थे तो कहने का मतलब यह है कि इतिहास को जो आप पढ़ते हो तो दो चार अगर कैरेक्टर में कमियां है तो कमियां व्यक्तिगत हो सकता है चीजों को समझने का प्रयास यूपीएससी चाहती क्या है कमियां होगा सरकार ने अगर नीतियां लाई है तो नीतियों में कमियां है लेकिन नीतियां अच्छाई के लिए लाया गया है ना अच्छाई बताओ अब बताओ कमियों में सुधार किया जा रहा है तो यहां भी यही है तो आपका भी काम है कि बताना है ऐसे ही तो मैंने आज बताया और फॉर्मेटिंग भी करवाया इसको इसी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए कृपया करके कठोर शब्द का, का इस्तेमाल मत कीजिए राजनेता वाला काम मत कीजिए मेरा एक आपसे बहुत आग्रह है अगर मैं आपसे मिलूं, याद रखिएगा कोई व्यक्ति में अच्छाई ज्यादा है आप में या मुझ में कमियां कम है हमारा काम है अच्छाइयों को बताना कमियों को इस तरह से प्रस्तुत करना कि लगे कि हाँ ये कमी है केवल कमियां ना दिखनी चाहिए तो मेरा ढेर सारा प्यार है आशीर्वाद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा सुनिएगा और सोचिएगा कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति इतना अच्छा काम किया है तो क्या वो इतना बुरा हो सकता है क्या नहीं ये हिंदुस्तान है हर जगह होता है कि जब तक काम पड़ा तो बोलेगा कि यार बहुत अच्छा आदमी है और जैसे ही दस बार काम आ एक बार काम नहीं आए ये आदमी बेकार है ठीक है तो सारे बच्चे याद रखिएगा राघवेंद्र भी आप भी बेटा इतिहास ऐसे पढ़ना है तो बहुत नंबर आएगा हिस्ट्री ऑप्शनल में भी जीएस में भी इससे इससे ज्यादा हिस्ट्री ऑप्शनल में नहीं पढ़ना है जितना मैं पढ़ाता हूं ठीक है बेटा ध्यान देना बाय टेक केयर गुड नाइट आज पीडीएफ डाल लेंगे कल सुबह सुबह बेटा आज नहीं है ना ध्यान देना सारे बच्चे बेस्ट ऑफ लक ध्यान दीजिएगा अपना